अलग है। एक्चुअली गाना हम हर तरह का गाते हैं, लेकिन नाम ज्यादा भजन में हो गया। हम तो सबसे पहले जो पॉपुलर हुए थे तो गजल के एल्बम से हुए थे, उसके बाद कई फिल्मों में गाया, अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म में गाया था अक्षय कुमार के लिए, अमिताभ जी के लिए गाया था नास्तिक में, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लता जी के साथ डुएट गाया, आशा जी के साथ गाया, सब कुछ। लेकिन फिर लोगों को भजन हमारे ज़्यादा भाग है और हमको भी अच्छा लगा, तो हम ज़्यादा भजन फील्ड में अपना समय देने लगे, गज़लों में भी बहुत वक्त दिया, उसके बाद कई फिल्में प्रोड्यूस करी, आप लोगों को मालूम है उसका क्या हश्र हुआ ये भी मालूम है, लेकिन किया है, बहुत कुछ किया है, बड़े मज़े से किया है, और बिग बॉस में पहुंच गया है, जब बिग बॉस में गए तो और मज़ा आया, वो एक नई जिंदगी है, तरह तरह के लोग मिलते हैं और उन सब से दोस्ती होती है, वहीं पर दीपक ठाकुर मिल गए, खान सिस्टर्स मिल गई और भी बहुत लोग मिले, तो वहाँ से ही ऐसा लग रहा था मुझे कि दीपक और सोमी ये दोनों कुछ कमाल करेंगे बाहर आके, और सच में कमाल कर दिया उन्होंने बाहर आके। ये जो वीडियो है बहुत खूबसूरत बना है, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें दीपक खुद गाएं, क्योंकि दीपक तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो खुद गाना चाहिए, और जो सिंगर्स हैं उनसे आप मिल ही चुके हैं जो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दो और बहुत बेहतरीन हमारे मेहमान सिंगर्स यहाँ आए हुए हैं हमारे साथ, जस्सी जी हैं, जस्सी जी को सारा हिंदुस्तान जानता है, जैजिम शर्मा हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग कैनेडा का टूर करके आए, हम और जैजिम के साथ हमने वहाँ परफॉर्म किया था, तो बहुत खुशी की बात है कि आज इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आए हैं और इस एल्बम को यहाँ रिलीज कर रहे हैं। अभी कुछ ही मिनटों में मीका जी आ जाएंगे और मीका जी के हाथों फिर हम इसको विधिवत। अनूप जी आपने बुलाया मुझे, इन्होंने मेरा बहुत खर्चा भी करा दिया, तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं मुंबई ना ही आऊँ, दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, और इन्होंने बोला नहीं यार 4 बजे आना, मैंने इनको बता भी नहीं पाया कि मेरा बर्थडे है, तो फिर मैं गया चलो मैं आ जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आ गया तो बहुत सारे फ्रेंड्स कहते नहीं नहीं यार अब बैठे बैठे इन्होंने खर्चा करा दिया, बट गाना बहुत अच्छा है, एंड सोमी एंड दीपक दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं, और मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। तरज जी भी आ गए, शैलेंद्र जी का भी मैं फैन हूँ, जीतू जी भी पहुँच चुके हैं, सो जब भी अनूप जी बुलाएंगे, यही है मुंबई की एक खास बात कि यहाँ सिर्फ रिलेशन चलते हैं, आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जब भी हम एक दूसरे को याद करते हैं हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, सो अनूप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यू सैंग इट वेरी वेल, और सोमी एंड दीपक को मैं बिग बॉस से ही पहचानने लगा हूँ, और यकीन करो मैंने बहुत बिग बॉस देखा तुम्हारा, और कभी कभी तुम पे गुस्सा भी आता था और प्यार भी आता था, और दोनों इतने प्यारे हैं, एंड सब अभी यहाँ बैठे हैं, और पता नहीं श्रिंक हो गए दोनों, टीवी पे बहुत तगड़े तगड़े लगते थे, और लीना जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया, सो नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ एक गाना करूँगा, अनूप जी म्यूजिक कर देंगे जी, और जस्सी भाई हमारे बैठे हैं, दिल लगी गुड़ की राती, और जैजिम वेरी टैलेंटेड, सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनूप जी के आपने हमारे लिए, जैसे मैं अभी बहुत ही अच्छा गाते हैं आप, बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं और एंटरटेनमेंट, नहीं ये सब पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है कि हम यहाँ भी खड़े हैं, और हम जनरली ये चीज़ दिल से फील करके बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने में खड़ा होने का अपना औकात नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ किया कि हम बिग बॉस में पहुँचे, और उसके बाद ये पूरा कैमरा ताम झाम लाइट फाइट बत्ती, अभी शाम में डिनर भी होगा, पत्नी आपको इनविटेशन है लेकिन एड्रेस भी तो लीक नहीं है तो जब मैडम रीना मैडम ने जब फोन किया और जब इस एल्बम के लिए मतलब वो हुआ तो अंदर से बड़ा खुशी हुआ कि इंडिया तो छोड़ो बाहर से भी लोग फोन कर रहे हैं, और फिर एल्बम के लिए जब हम लोग गए तो जेन्युइनली एक बात बताते हैं, हमारा तो चलो दिख रहे हैं हम लोग पर्दे पे तो ये हो गया किसने एक्ट किया, लेकिन
हम कुछ नहीं करते हैं, करवाते हैं हमसे, और जो करवाते हैं सारे कर्ता धर्ता वो होते हैं। आदरणीय हमारे सुनील सर जिन्होंने कैमरे के पीछे से जो मेहनत किया वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो चलो भाई तुम आपने बहुत अच्छा किया, पहली बार आप कर रहे थे, आपको कैसा महसूस, तो अपना हम लोग डीलिंग दे दिए कि अरे हो गया था। लेकिन जो सर जितना जितने शिद्दत से और जितने प्यार से सर ने हमको सिखाया, एहसास ही नहीं होने दिया। सर गलत भी करते थे ना, हम गलती भी करते थे, तो सर बोलते थे कि अरे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो दीपक, लग ही नहीं रहा कि पहली बार कर रहे हो, तो अंदर से मतलब अंदर से फील होता था कि यार हम भी एक्टर बन गए यार। फिर हमारे वो कोरियोग्राफर साहब मुस्कुरा रहे वहां से, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, स्पेशली थैंक्स टू रीना मैम एंड दीपक एंड अनूप सर, इतना प्यारा गाना, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट शूट था और सीरियसली नहीं पता था कैमरे पे कैसे वर्क करना है, कैमरे में कैसे देखते हैं, कैसे रोमांस करना है, हम लोग खुद ही आपस में ही शर्मा रहे थे कुछ शॉट लेने में, तो इसको नहीं आ रही थी शर्म। और फिर हम लेकिन रीना मैम ने काफ़ी बूस्ट किया और सुनील सर उन्होंने बहुत सिखाया, हमारी कोरियोग्राफर सौरभ उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें बताया कैसे देखना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे एक्ट करना है, तो हम